दोस्तों साल 2024 बॉलीवुड की फिल्मों की लिस्ट में बिल्कुल भी खास साबित नहीं हुआ है। 200 करोड़ क्लब में भी शामिल नहीं हो पाया है। ऐसे में बॉलीवुड काफी निराश है। और यही नहीं, अगर 2023 से कंपेयर करें तो अभी तक दो ही फिल्में हैं जो अच्छा खासा कमाई कर पाई हैं, लेकिन ज्यादातर मूवी 100 करोड़ के नीचे ही रह गई है। ऐसे में 2023 की फिल्मों ने ज्यादा अच्छा कमाल दिखाया है और 2024 में फिल्मों की लिस्ट अभी तक 200 करोड़ क्लब में शामिल नहीं हो पाई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे फिल्म फाइटर की। फिल्म फाइटर 200 करोड़ क्लब में शामिल नहीं हो पाई है, 199 तक ही कर पाई है। जैसा कि फिल्म सभी को पसंद आई है, लेकिन 200 करोड़ क्लब में शामिल होने में ये सक्षम नहीं रही है। दूसरे नंबर पर आती है फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जिसने सिर्फ 100 करोड़ क्लब में शामिल होकर ये बताया है कि ये फिल्म अच्छी साबित हुई है, लेकिन 200 करोड़ में शामिल नहीं हो पाई है। जैसा कि आजकल फिल्मों को 200 करोड़ क्लब को टच करना एक इजी टास्क होना चाहिए, उस तरह से तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया नहीं कर पाई है। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो इसमें आती है फिल्म शैतान। फिल्म शैतान से सभी को बहुत उम्मीदें हैं। ऐसे में इस फिल्म ने सिर्फ 137 करोड़ का ही कलेक्शन किया है और अभी भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल रही है, लेकिन 200 करोड़ क्लब को टच करना इस फिल्म के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वही चौथी फिल्म की बात करेंगे, इसमें आती है फिल्म आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को भले ही कम बजट में बनाया गया हो, लेकिन इसने अभी तक सिर्फ 80 करोड़ का ही कलेक्शन किया है, 100 करोड़ को भी टच नहीं कर पाई और 200 करोड़ तो भूल ही जाइए। फिल्म भले ही लोगों को बहुत पसंद आई है, लेकिन फिल्म में देखने वाले गए ही कहाँ हैं। और इस लिस्ट में अगर फिल्म हनुमान की ही बात करें तो इसने 50 करोड़ में फिल्म बनाकर काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल की है और इस फिल्म को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार भी दिया है। भले ही इस फिल्म ने ज्यादा कलेक्शन ना किया हो, कम बजट में बनाई गई इस फिल्म को लोगों ने बहुत प्यार दिया है। 100 करोड़ क्लब में शामिल होने में ये एक और फिल्म शामिल हो सकती है। और छठे नंबर की बात करेंगे, इसमें आती है फिल्म योद्धा। सिद्धार्थ मल्होत्रा की इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये फिल्म ही ठंडे बस्ते पे जाके गिरी। फिल्म को लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया और फिल्म को ज्यादा कलेक्शन भी नहीं हुआ है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, फिल्म क्रू, जो अभी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है और फिल्म ने पहले ही 2 दिन में 20 करोड़ का कलेक्शन किया है। माना जा सकता है कि इस फिल्म को आप 60 से 70 करोड़ की कलेक्शन में देख पाएंगे लास्ट 100 करोड़ क्लब में, पर 200 करोड़ क्लब में इस फिल्म का शामिल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आप ही बताइए, आपको इनमें से कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान जरूर रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।